क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हम एक्सरसाइज 5G पर आ चुके हैं। अब तक हमने भागफल वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवाइड वाले क्वेश्चन कर लिए। अब आगे चलेगा हमारा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल चलेगा। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए हमारे पास दो विधि है, दो टाइप के हमारे पास मेथड है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है चैन रूल, इसको बोल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और ये हमारा है श्रृंखला नियम। मोस्टली हम सवाल श्रृंखला नियम से करेंगे, लेकिन शुरू के 10-5 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके आगे इंटीग्रल पे काम आएगा। वहां पे होना चाहिए इसको, ये आना चाहिए आपके भी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आपके जाए काम आओगी। आपके डिफरेंशियल के क्वेश्चन हम और कर लेंगे चैन रूल से। तो पहले शुरू के क्वेश्चन कर ले, प्रतिस्थापन विधि करनी। पहले प्रतिस्थापन विधि से मुझे करना है y = sin 5x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमने पहले 5x को क्या मान लिया, t मान लिया। 5x को t इसलिए मान लिया क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है वो sin x का है। यहाँ पे सिंगल फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 5x, तो आपके पास फार्मूला 5x का है नहीं, तो 5x को मान लिया हमने t। फिर हमने इसको यहाँ इसकी जगह रख दिया t। अब इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। sin t का हो जाएगा cos t। कंप्लीट हो गया इधर। इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dt / dx। तो 5 और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। फिर ये फार्मूला लगाना है इसमें dy/dx = dy/dt (dt/dx). इसका वैल्यू ऊपर से लिख दिया हमने cos t, इसकी वैल्यू इधर से लिख दिया हमने 5। t हमने किसको माना था, t माना था 5x, तो t की वैल्यू लिख दी। तो हमारा आंसर है 5 cos 5x। ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ गए हम, y = cos x^4। इसमें भी ये x का फंक्शन है, इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास फार्मूला केवल cos x का है, इसलिए x^4 को हम t मान लेंगे और यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे t। तो ये हमारा आ गया y = cos t। अब विद रेस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट कर दें, cos t का होगा माइनस के sin t। ऐसे इस साइड में डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष 4x^4 - 1, 4x^3। फिर हम इन दोनों को यूज करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, dy/dx = dy/dt (dt/dx). dy/dt की वैल्यू यहाँ से लिखी माइनस के sin t, और dt/dx की वैल्यू लिखी यहाँ से 4x³। फिर यहाँ पर हमने t की वैल्यू रख दी, t माना था हमने x^4 को। ये आंसर आगा आपका 4x³ sin x^4। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर फाइव में y = sin^4x। हमने हमारे पास जो फार्मूला ओनली साइन एक्स का है, पावर का नहीं है, इसलिए हमने पूरे साइन एक्स को लेस कर लिया, मान लिया t, और हमारा क्वेश्चन हो गया t^4। इसको y को रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर 4 आ गया देगा, 4^4 और t^4 - 1 और t³ आ गया इसका डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष करेंगे, साइन एक्स का होगा cos x। फिर वही फार्मूला dy/dx = dy/dt (dt/dx). dy/dt की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 4t³, इसकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे dt/dx cos x, और t आपने क्वेश्चन में माना था sin x को, t की जगह लिखेंगे sin x। तो आंसर आ जाएगा 4 sin x^3 cos x। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं 10 तक के, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सोल्व करने हैं। डू क्वेश्चन नंबर 10 अप टू 10 तक के क्वेश्चन करने हैं। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और एक्सरसाइज का फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिल जाए।